मुजफ्फरपुर में बीती रात हुई वारदात से एक बार फिर बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। यहां नगर थाना क्षेत्र के चंदबारा अली मिर्जा रोड में बीती रात एक महिला की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। महिला अपनी फिजियोथेरेपी कराकर लौट रही थी, इसी दौरान रास्ते में बाइक से पहुंचे बदमाशों ने हत्या की इस वारदात को अंजाम दे दिया। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से गोली का खोखा बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जांच के लिए सीसीटीवी खंगाला जा रहा है। पहले से किसी से कोई झंझट भी था? ऐसा कुछ नहीं है। आज क्या हुआ है? उनके फादर का इंतकाल हुआ, उस दिन भी बेटी से मुलाकात हुआ भतीजी से, तो उसको फिजियोथेरेपी के लिए हम ले जाके वहाँ छोड़ा है। तबीयत उसकी खराब थी उस दिन भी मुलाकात उन्हीं का फिजियोथेरेपी होता है। हाँ, दिल्ली कराते थे जाके। हाँ, तो इनके यहाँ वो थी माइक लाइट ऑन है, चल नहीं पाएंगे, चल के लाइट पड़ी थी ना, उसको ले जाके हम फिजियोथेरेपी में छोड़ा है। वो अफजाल साहब है ना, लाइट देखिए। हाँ, उन्हीं की है, तो वहाँ से। हाँ ठीक है, चल जाती। जैसे आज शाम में क्या हुआ है, आज आज की घटना के बारे में बताइए। आज के बारे में कहा तो कि बस अभी तुरंत पटना से फोन आया, हम लोग अपने घर में हैं जेल चौक जी। भतीजा फोन किया ठीक कि चचा कहाँ है, मुजफ्फरपुर में हैं हम, बोले हम हो में, तो दौड़ के जाइए भागिए संजीदा के घर में, क्या हुआ है। संजीदा को कोई गोली मार दिया, बस इतना। वो भी बोली है कि बोला है हम अपना गाड़ी भागे यहाँ पर। बनारस बैंक चौक के पास में मिर्जा गली है, जिसमें अली मिर्जा रोड है, जिसमें रात में अभी शाम को 9 बजे के आसपास में एक महिला जो पास के ही एक फिजियोथेरेपिस्ट से एक सेशन लेके आ रही थी, उनको पीछे से एक आदमी जो हेलमेट पहना हुआ था उसने पीछे से गोली मारा। गोली मार के अपना एक साथी जो उसका आगे गाड़ी लगा करके खड़ा हुआ था उसको लेकर के भाग गए। कारण अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उसी सारे बिंदुओं पे हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा है? पूर्व से प्लांट तरीके से मारा गया अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि फोटो के हिसाब से ना ही तो चेन, जो भी उनका सामान था जो उनके पास था, सारा सामान उनका अपने साथ में है, तो कोई ऐसा चेन स्नैचिंग या फिर लूटपाट के क्रम में ऐसा नहीं लग रहा है। पूरा पहले से कोई प्लान था, उसी क्रम में शायद। सर, लगातार आपराधिक घटना को अंजाम दिया जा रहा है, सर क्या कहेंगे सर? तो उसके लिए भाई सारी प्रिकॉशनरी मेजर लिए जा रहे हैं जी। सर, जमीनी विवाद की बात सर, अभी ये चीज़ क्लियर करना होगा, अभी इसमें हम लोग क्लियर नहीं पता 100%। आगे क्या इन्वेस्टिगेशन आगे किया जा रहा है, सारे जितने भी आगे के सीसीटीवी फुटेज वगैरह हम लोगों के द्वारा खंगाले जाएंगे और अभी भी देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि महिला की पहचान साजिदा आफरीन के रूप में की गई है। पुलिस को प्रथम दृष्टया मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ लग रहा है, हालांकि पुलिस अभी सभी एंगल से घटना की जांच कर रही है।